पीएम मोदी ने राज्यसभा के 250वें सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में राज्यसभा में योगदान देने वालों का अभिनंदन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सदन ने बदले हालात में खुद को ढालने की कोशिश की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि राज्यसभा के 250वें सत्र में शामिल होना मेरा सौभाग्य है। संसद भारत की विकास यात्रा का प्रतिबिंब है। 250 सत्र ये अपने आप में समय व्यतीत हुआ ऐसा नहीं है, एक विचार यात्रा रही। समय बदलता गया, परिस्थितियां बदलती गई और इस सदन ने बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने की कोशिश की। तो सदन के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। तो आपको बता दें कि आज से सदन के शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो गया है। राज्यसभा सेकंड हाउस में सेकेंडरी नहीं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में तमाम बातें तीखे स्वर में, विवाद हो कोई नुकसान नहीं, तो विवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन नियम के तहत ये मुद्दे होने चाहिए जिस पर विचार विमर्श किया जाए। तो वेल में नहीं जाने के संकल्प के लिए तारीफ पीएम मोदी ने यहां पर तमाम सदस्यों की। तो सत्र में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य। सबसे अहम शर्त है और राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर के काम करें तभी प्रगति संभव होती है। राज्यसभा इस बात को सुनिश्चित करती है कि देश में केंद्र और राज्य सरकारें प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन हम प्रतिभागी बनकर के, सहभागी बनकर के देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। यहां जिन विचारों का आदान प्रदान होता है, उसका जो अर्क है, जो यहाँ के प्रतिनिधि अपने राज्य में ले जाते हैं, अपने राज्य की सरकारों को बताते हैं।